सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मेकअप के उस जो की है सिर्फ और सिर्फ अंडर 300। इसको आप बिगनर्स मेकअप किट भी कह सकते हो या टीनेजर मेकअप किट भी कह सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की। इसके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट अंडर 300 रुपीज ही मिलने वाले हैं। कोई भी प्रोडक्ट 300 से ऊपर नहीं है, जो भी है सब कुछ 300 के अंदर है। तो सबसे पहले मेकअप में हम यूज करते हैं प्राइमर। तो मैंने यहाँ पे कुछ अंडर 300 वाले प्रोडक्ट इस पाउच में डाल लिए हैं, तो मैं इसमें से आपको दिखाती हूँ प्राइमर। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर। ये काफी अच्छे वाला प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है, तो ये ऑल स्किन टाइप है और ये अंडर 300 आप लोगों को मिल जाता है। इनके जो एक्चुअल प्राइस है मैं वहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और जो सेल प्राइस वगैरह भी होंगे वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। काफी अच्छे वाला प्राइमर है, ब्लू हेवन का प्राइमर है और इसकी क्वांटिटी हमारे यहाँ पे 30 ग्राम मिल जाती है और ये सिलिकॉन बेस्ड है तो ये पोर्स को अच्छे से ब्लर कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट जो कि होने वाला है फाउंडेशन। यहाँ पे मैंने दिखाया है मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन। काफी अच्छे वाला फाउंडेशन है। इसकी छोटी ट्यूब पैकेजिंग है, वैसे जो इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग है वो अबव 500 है, पर मेरे को 300 के अंदर दिखाना था तो मैंने आप लोगों को ट्यूब वाली पैकेजिंग दिखाई है जो कि अंडर 300 आप लोगों को मिल जाती है। काफी अच्छे वाला प्राइमर है, ये मैट है, पोरलेस है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे वाला प्राइमर है, एकदम मैट फिनिश देता है आपके फेस को, तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कंटूर और कलर करेक्टर। यहाँ पे मैंने एनवीबे की कंटूर करेक्टर स्टिक्स जो है वो दिखाई है क्योंकि ये अंडर 300 और काफी अच्छी आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कंटूर शेड है इसका, आप देख सकते हो अपनी स्किन टोन के हिसाब से कंटूर शेड मंगा सकते हो और आपके फेस पे जो प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से आप इसका करेक्टर शेड भी मंगा सकते हो। इसमें ऑरेंज, ग्रीन, पीच सारे शेड आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। फाउंडेशन स्टिक वाले जो शेड्स होते हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। ऑल स्किन टाइप है, ये भी अंडर 300 और काफी अच्छी है, बहुत ही स्मूथ चलती है, ब्लेंडेबल बहुत अच्छी है और कवरेज भी इसकी काफी अच्छी है। प्रोडक्ट है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है एनवीबे का कॉम्पैक्ट विद एसपीएफ 40। काफी ही अच्छे वाला कॉम्पैक्ट है ये। आपको इसके अंदर हमें मिरर मिल जाता है और ये एक पफ टाइप भी मिल जाता है। आपको जिस ब्रश से अप्लाई करना है ब्रश से भी कर सकते हो और पफ आपको साथ में मिलता ही है तो आप इससे तो अप्लाई कर ही सकते हो। काफी अच्छे वाला है, इसकी कवरेज भी काफी अच्छी है, मैट फिनिश देता है और आपको एसपीएफ 40 के साथ ये मिल जाता है और ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी जगह आप एक लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट आता है वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अंडर 300 है। उसकी भी फोटो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। दोनों ही काफी अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो परचेस कर सकते हो, दोनों ही अंडर 300 में आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लाइनर, मस्कारा और काजल की। काजल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनवाई बेका द बिग एप्पल ऑफ माय आई वाला कोल पेंसिल। काफी अच्छे वाली कोल पेंसिल है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, काफी स्मूथ चलती है और एक स्ट्रोक के अंदर ही आपको जेट ब्लैक शेड ये देती है। तो काफी अच्छे वाली पेंसिल आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें, ये भी अंडर 300 मिल जाएगी। अंडर 300 नहीं, ये आपको बल्कि अंडर 100 ही मिल जाएगी। काफी अच्छी 80-90 रुपीज का है शायद, आपको साइड में इसकी पिक्चर और इसका प्राइस दिख जाएगा। और लाइनर के लिए अभी मैंने यूज किया लैक्मे का ये इंस्टा लाइनर, वाटर रेजिस्टेंट लाइनर। काफी ही अच्छे वाला लाइनर है ये भी और इसकी जो निब है वो भी काफी ही अच्छे निब है। आप विंग लाइनर बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो, आप देख सकते हो कितनी जो इसकी पतली निब है, काफी अच्छी वाली निब है इसकी। ये भी काफी अच्छे वाला और लैक्मे का लाइनर है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। उसके बाद मस्कारा के लिए यहाँ पे है मेबेलिन का हाइपर पल्स वाला मस्कारा। काफी अच्छे वाला मस्कारा है, ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, काफी अच्छे से आपकी आईलैशेस को कोट करता है, लेंथ उसकी अच्छी दिखाता है और जो बहुत अच्छे से आपकी लैशेज को कर्ल कर देता है, जो बहुत अच्छी लगती है, डिफाइन कर देता है आपकी लैशेज को। तो एक ये वाला मस्कारा है। ब्लू हेवन का मस्कारा भी काफी अच्छा था, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं और ये भी अंडर 300। अब हम बात कर लेते हैं ब्लश की। यहाँ पे मैंने सिवाना की मेकअप स्टूडियो जो चिक एंड कंटूर पैलेट है वो आप लोगों के लिए दिया, ये भी अंडर 300 है। इसके अंदर आपको दो ब्लश शेड मिल जाते हैं और एक कंटूर शेड भी मिल जाता है। काफी अच्छे वाली पैलेट है और दोनों ही ब्लश शेड काफी अच्छे हैं, इस टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है ये वाले दोनों ब्लश शेड और ये भी अंडर 300 का, आप इसको भी जरूर परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हाईलाइटर की। ये है मैट लुक के शिमर ब्रेक जिसका नंबर है 03 ब्रॉन्ज। काफी ही अच्छे वाले इसकी जो पिगमेंटेशन है इसकी भी काफी अच्छी है और इसके अंदर आपको इतने सारे शेड्स अवेलेबल मिल जाते हैं, आप देख सकते हो कितना ग्लो और हाईली पिगमेंटेड है ये।
ये 03 नंबर ब्रॉन्ज है मैट लुक का, आपको ऐसे ही ब्रिक्स स्विस ब्यूटी के अंदर मिल जाती है, उनके अंदर आपको ब्लश शेड और हाइलाइटर शेड्स भी मिल जाते हैं, तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही अंडर 300 आप लोगों को मिल। आईब्रोज के लिए मेरे पास कोई भी अंडर 300 वाला ऑप्शन नहीं था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अंडर 300 के अलावा थोड़ा सा देख के आप वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्राउ किट ले सकते हो, ये काफी अच्छी है, 100 रुपीज अबव है इसका प्राइस, ये 400 कुछ की आती है, काफी अच्छी है। इसके अंदर आपको दो शेड मिल जाते हैं, आपको साथ में स्पूली ब्रश भी मिल जाता है और प्लग एंड ब्रश भी मिल जाता है, काफी अच्छी वाली है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अंडर 300 ही चाहिए था ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो, 150 की है, उसकी पिक भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, तो आप प्लीज दोनों को चेक कर लेते हैं। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मेरे पास एक पैलेट है स्विस ब्यूटी की ऑल अबाउट लिप्स पैलेट, इसके अंदर आपको काफी सारे शेड मिल जाएंगे, इस लिप पैलेट का नंबर है 02, इसके अंदर आपको न्यूड्स मिल जाएंगे, रेड्स मिल जाएंगे, पिंक्स मिल जाएंगे, ब्राउन्स मिल जाएंगे, सारे शेड आपको मिल जाएंगे इस पैलेट के अंदर, तो आप डायरेक्ट इस पैलेट में अलग अलग लिपस्टिक को छोड़ के इस पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको अंडर 300 मिल जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है एनवाई बे की लिपस्टिक, शेक वोगे की लिपस्टिक, पर्पल की लिपस्टिक जो आपको अंडर 300 में मिलती है, वो ये भी काफी अच्छी है। यहाँ पे मेरे पास इसके दो शेड्स है, एक ये वाला शेड है और एक न्यू शेड है, काफी अच्छी है ये रनवे लिपस्टिक, रनवे रेंज है जो इनकी काफी अच्छी है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी अंडर 300 आप लोगों को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड हाइलाइटर्स की, ये है इलीरी रहूगा के लिक्विड आईलाइनर्स, काफी अच्छे वाले आईलाइनर्स हैं, इनका एक स्ट्रोक में पिगमेंट काफी अच्छा आता है, आप देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंट है इसका, ये गोल्डन शेड है इसका, मैं यहाँ पे आपको इसका सिल्वर शेड भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो दोनों ही शेड काफी ही अच्छे हैं, तो आप ग्लिटर लाइनर भी लेना चाहते हैं तो ये भी अंडर 300 है, आपको मैक्सिमम ईच 100 रुपीज का है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लिक्विड आई शेडोज की, जिनको लिक्विड आई शेडोज लगाने अच्छे लगते हैं, इसमें यहाँ पे मेरे पास है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, ये है शेड मल्टी, काफी ही अच्छे वाला लिक्विड आई शेडो है, ये पिगमेंट बहुत अच्छा है इसका और ब्लेंडेबल भी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंट है इसका, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी अंडर 300 आप लोगों को मिल जाए। अब है लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट प्रोडक्ट, ये है मेकअप फिक्सर, ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है, ये भी अंडर 300 है, बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बहुत देर तक स्टे करता है, मैंने इसको पर्सनली खुद यूज किया, जित बाल की जितने भी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ये मैंने पर्सनली यूज किया है, मेरी प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो, सभी प्रोडक्ट मैंने अपनी किसी ना किसी वीडियो में जरूर यूज किया है, और ये भी मैंने यूज किया, तो ये भी काफी अच्छे वाला मेकअप फिक्सर है, तो आप इसको भी जरूर। गाइस जब आप सोच रहे हो मैंने सब कुछ चीजें दिखा दी हैं और मैंने सिर्फ एक आई शेडो पैलेट नहीं दिखाई है, तो सॉरी गाइस मेरे पास अंडर 300 वाली कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं है, मेरे पास यहाँ पे ये कलर स्टूडियो की ब्यूटी ग्लेज की कलर स्टूडियो वाली पैलेट है, बट ये ओरिजिनल पैलेट है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस 1500 कुछ है, बट आपको इसकी ड्यूप पैलेट अमेजोन पे मिल जाएगी जो कि अंडर 300 है, ये मेरी ओरिजिनल पैलेट है, मेरे पास ड्यूप पैलेट नहीं है, तो ड्यूप पैलेट का जो प्राइस है और जो उसकी पिक्चर है वो भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, सेम डिटो इसकी ड्यूप है, वो एकदम सेम पिगमेंट है उसके, और मैंने उस ड्यूप पैलेट के भी काफी रिव्यूज देखे हैं, वो भी हाईली पिगमेंटेड है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, और जो लोग ये ओरिजिनल पैलेट ले सकते हैं वो ये ओरिजिनल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके पिगमेंट्स मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ एक सेकेंड, इसके अंदर आपको शिमर शेड भी मिल जाएंगे, आपको मैट शेड भी मिल जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे इसका येलो शेड दिखाती हूँ पहले, ये भी कितना पिगमेंटेड है, ये आप देख सकते हो ये इसका येलो शेड है, अब मैं आपको इसके बाकी और शेड दिखाती हूँ, इसका पर्पल शेड है, ये ओरिजिनल है, ये भी ये तो हाईली पिगमेंटेड होनी ही होनी है, बट जो इसकी ड्यू पैलेट है वो भी पिगमेंटेड है, क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज देखे हैं और मेरे रिलेटिव्स में भी किसी के पास वो है, तो उनके पास जो मैंने देखी है वो भी हाईली पिगमेंटेड ही है, तो आप ड्यूप में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ड्यूप में कर सकते हैं, बाकी ओरिजिनल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें आपको टोटल 35 शेड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सारे कलर्स है इसके अंदर, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, पर्पल, ब्लूज, ग्रीन, येलो, सारे वार्म टोन्स भी है, कूल टोन्स भी है, तो आप इसके अंदर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, और ड्यूप के अंदर भी यही सारे शेड्स है, यही सब कुछ है, मैं आपको यही बोलूंगी वो एकदम इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, ड्यूप है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी है वो इसकी,
और उसकी पिगमेंटेशन भी इसी की तरह है एकदम, तो आप उसको परचेज। तो गाइस यही थी मेरी आज की अंडर 300 वाली मेकअप किट, जिसमें मैंने सिर्फ आपको दो प्रोडक्ट ऐसे दिखाए जो अंडर 300 नहीं है, एक तो आईब्रो किट और एक ये मेकअप पैलेट। ये मेरे को ओरिजिनल थी बट मैंने आपको ड्यूप का ऑप्शन दे दिया और आईब्रो के लिए भी एक ऑप्शन दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना।